हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करेंगे हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर किसी और को लेकर नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई स्टार्स को लेकर। लेकिन आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस एक्टर को लेकर जो अपनी फिल्मों से ज़्यादा चर्चा में रहते हैं अपनी निजी जिंदगी को लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी और को लेकर नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस एक्टर आमिर खान को लेकर। जी हाँ, आमिर खान जो अपनी पहली शादी को लेकर चर्चा में रहे, आमिर खान जो अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में रहे, आमिर खान जो कि अपनी तलाक को लेकर चर्चा में रहे। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है वो है आमिर खान की बेटी ईरा खान को लेकर। जी हाँ, ईरा खान जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू किया, फाइनली अब यहाँ पर उनके बॉयफ्रेंड और उनके रिलेशनशिप को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, कंट्रोवर्सी में रही। लेकिन अब ईरा खान ने खुद अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिसे जानने के बाद सभी के होश उड़ गए। ईरा खान ने अपनी खुद से जुड़ी एक ऐसी बीमारी को लेकर खुलासा किया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, ईरा खान ने इस बार कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद शायद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। आखिर क्या कुछ बताया ईरा खान ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट के तौर पर जाने जाने वाले एक्टर आमिर खान जो अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं अपनी निजी जिंदगी को लेकर, अपनी फिल्म्स को लेकर। लेकिन वही, जी हाँ, आप सबको बताते चले कि आमिर खान की बेटी ईरा खान को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आई, जहां पर ईरा खान ने अपने दिल के कई राज खोलकर सामने रख दिए। पेरेंट्स के तलाक के बाद किस तरह से वो डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो गई थी और किस तरह से इस बीमारी से ईरा खान ने खुद को रिकवर किया, इसका खुलासा हम आपके सामने करेंगे। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी ईरा खान आए दिन सुर्खियों में रहती है। अक्सर वो सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती है। इस बार भी वो कुछ इसी वजह से चर्चा में आई। ईरा खान ने हाल ही में अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर खुलकर बात की। ईरा खान ने बताया कि उन्हें कैसे उनके पेरेंट्स के तलाक के बाद वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि वो डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। ईरा खान ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व में बड़े बदलाव देखे। उन्हें 5 साल पहले क्लिनिकल डिप्रेशन का पता चला था। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार ईरा खान ने बताया अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में, जहां ईरा ने खुलासा किया कि उसे अपने पिता से कितना सपोर्ट मिला था, यहाँ तक कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अगस्तो फाउंडेशन भी लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सपोर्ट करना होता है। ईरा खान ने आगे ये भी कहा कि आमिर खान और रीना उनकी इस फाउंडेशन के बोर्ड का हिस्सा थे। डिप्रेशन से अपनी लड़ाई को याद करते हुए ईरा खान ने कहा कि उन्होंने अपने अंदर क्या बदलाव देखे। ईरा खान ने कहा कि वो 8 घंटे रोती थी और 10 घंटे सोती थी। ईरा ने बताया कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं दिन भर सोती रहती थी ताकि मेरे पास दिन में जीने के लिए कम घंटे। इसी के साथ ईरा ने आगे ये भी कहा कि मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि उन्हें मेरी चिंता होगी। ये सब 1.5 साल तक यूं ही चलता रहा। फिर मैंने 4 दिनों के लिए खाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। ईरा ने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में भी खुलासा किया। ईरा ने कहा कि मुझे इसका पता लगाने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन मेरे परिवार में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही है, मैंने सही विकल्प नहीं चुने और मैं डिप्रेशन में चली गई। पिछले साल जुलाई में मेरी हालत में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। मेरी दवा के कारण मेरा वेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। मेरे अंदर काम करने के प्रति मानसिक रुकावट धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। बीते साल ईरा खान ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड और सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर नूपुर शिखरे से सगाई कर ली थी।
कपल की इसी ड्रीमी सेरेमनी की कई वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बाद वो लगातार चर्चा में आती गई। आयरा खान ने ये भी बताया कि जब वो डिप्रेशन में थी तो किस तरह के दर्द को वो झेल रही थी। उन्होंने बताया जब उन्हें पता चला कि उनके मॉम और डैड दोनों तलाक ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो इस दौरान वो बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। आयरा सिर्फ इतना चाहती थी कि उसके माता पिता का तलाक ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। आयरा की जिद के आगे माँ बाप नहीं झुके और उन्होंने फैसला ले लिया कि अब वो सिर्फ यहाँ पर आयरा के लिए नहीं बल्कि अपने लिए फैसला लेंगे, जो फैसला सिर्फ उनके लिए, उनके साथ साथ आयरा के लिए भी ठीक होगा। ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप रखने से अच्छा है कि आयरा खान के लिए वो दोनों सेपरेट हो जाए। फाइनली सर आमिर खान और उनकी पत्नी का डाइवोर्स हो गया। ये देखकर धीरे धीरे और ज़्यादा टूटने लगी थी आयरा खान, जिसकी वजह से वो जीने की जो इच्छा थी आयरा खान में वो खत्म हो रही थी। आयरा खान की जब इस हालत के बारे में उनके पिता आमिर खान को पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने फैसला ले लिया कि वो आयरा खान का पूरा ख्याल रखेंगे। जहाँ पर उन्होंने आयरा खान से बात करने की कोशिश की, उसे समझने की कोशिश की, उसे काउंसलिंग के लिए लेकर गए, उसे का ट्रीटमेंट करवाया, उसकी मेंटल हेल्थ चेक करवाई और उसे का इमोशनल सपोर्ट बनकर उसका पूरा साथ दिया। जी हाँ, यहाँ पर इस तरह से आमिर खान ने अपनी बेटी ईरा की मदद की और उसे डिप्रेशन से बाहर लेकर आया। जहाँ पर ईरा तो डिप्रेशन से बाहर आ गई, लेकिन उन्हें डिप्रेशन से बाहर आने में काफ़ी लंबा वक्त लगा, लेकिन फाइनली अब आयरा पूरी तरह से ठीक है। आपको बताते चले कि आयरा के ठीक होने के साथ साथ आयरा ने एक फाउंडेशन खोली। इस फाउंडेशन में भी उन लोगों की मदद की जाती है जो डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि अब उन्हें अपनी सिर्फ दुनिया खत्म कर दे रही है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा, जीने के लिए उनकी इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तब जाकर वो फैसला लेते हैं आगे बढ़ने का। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि आयरा खान को लेकर, जहां पर खुद आयरा खान ने अपने डिप्रेशन जैसी बीमारी का खुलासा किया। जब आयरा खान की ऐसी हालत हुई तो आमिर खान यानी कि उनके पिता की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो परेशान हो गए थे अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर। वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह उनकी बेटी आयरा पूरी तरह से वापस नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट ईरा खान को लेकर, जहां पर किस तरह से ईरा खान ने सिर्फ अपने माता पिता से जुड़ा सच नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के डिप्रेशन वाली बीमारी को लेकर भी खुलासा किया, जिसकी खबर हमने आपको दी, जिसकी अपडेट हमने आपको दी और आपको रूबरू करवाया उस सच से जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।